हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शेफ जी के बी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंडे का फंडा। अंडे को अच्छी तरह से कैसे बॉईल करते हैं, अंडा सही है या ख़राब कैसे चेक करते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। कुछ टिप्स भी लेके आया हूँ जो मैं अंडा जब हम बॉईल करते हैं उस बीच में बताऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए इसको बॉईल करने के लिए शुरू करते हैं। आज हम समझते हैं अंडे का फंडा। अंडा बॉईल करने के लिए सबसे पहला अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। हमने अंडे लिए हुए हैं और इसको चेक करेंगे ये ख़राब है या अच्छा है, कितना पुराने हैं या नए हैं, आज हम इसको सबसे पहले पता करेंगे। पता करने के लिए हमने लिया हुआ है एक बॉल में पानी। इसमें हम ये अंडे को डुबाएंगे क्योंकि इसमें हवा होती है। अगर ये ऊपर आती है तो ये अंडा पुराना है और पूरा ऊपर आता है तो ये ख़राब है। तो अंडे को एक एक करके मैं पानी में डाला हूँ। सारे अंडे ये अच्छे हैं क्योंकि ये अंडे पुराने नहीं है, ये सब नीचे गए हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, पानी यहाँ तक है। ये कांच का बॉल है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि पानी यहाँ तक है और सारे अंडे पानी में डूबे हुए हैं, नीचे हैं, तो अंडा सही है। अगर ऐसा कोई उतरता है, पूरा उतरता है, तो वो अंडा को इस्तेमाल ना करें, वो अंडा ख़राब है। अभी इसको बॉईल कैसा करना है ताकि वो अंडा फटे नहीं और आप जब छीलते हो तो अच्छे से उसको छील सकें। टिप नंबर वन है वॉश एग। कभी भी हम बाहर से अंडे को खरीद के लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारे गंदगी रहता है, तो उसको एक बार आप एकदम हल्के हाथों से उसको धो लें ताकि वो जब आप बॉईल करते हैं तो वो पानी ख़राब ना दिखे। बाई चांस टूटेगा अंडा तो ख़राब पानी अंडे के अंदर भी चला जाते हैं। टिप नंबर टू, चेक क्वालिटी ऑफ एग्स। बाज़ार में क्या होता है कि अंडा पुराने में ही होते हैं, कोई दुकान में अंडा बिकता नहीं है तो वो नया पुराना अंडा वहाँ पर मिल जाता है, आपको ऐसा कोई नहीं कि फ्रेश एग ही मिलेगा। तो आप जब घर पे लेके आते हो तो उसको कभी भी जब एक पानी रहता है, एक बॉल में पानी लें और उसमें अंडा को डुबो दें। अगर वो अंडा सारे वो डूबते हैं तो वो अंडा फ्रेश है, अगर वो डूब ऊपर आता है, अगर नीचे वो डूबते ही नहीं तो वो अंडा ख़राब है, उसको आप अच्छे से चेक करें। टिप नंबर थ्री है पुट एग्स इन बॉयल वाटर। जब भी आपका पानी गर्म होता है तो तभी जाके आप अंडे को डालें, ताकि आपको 6 मिनट में निकालना है या 12 मिनट में निकालना है या 3 मिनट में, 8-10 से भी कच्चा निकालना है तो वो आपको एक टाइमिंग के हिसाब से मालूम पड़ेगा। तो आप ये तीन टिप्स हमेशा ख्याल करें। आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीके के अंडा, हाफ बॉईल और फुल बॉईल। हाफ बॉईल के लिए हम 6 मिनट अंडे को बॉईल करेंगे, जब हमारा पानी बॉईल होने के बाद अंडे को 6 मिनट पानी में हम डालेंगे, और फुल अंडे के लिए 12 मिनट। इसको पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमारा पानी बॉईल हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 छोटा सा कटा हुआ नींबू। अभी हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो अभी हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे को बहुत प्यार से डालना है, नहीं तो टूट जाएगा। बहुत प्यार से अंडे को इसमें डालें, 3 और 4। अभी इसको 6 मिनट में हम निकालेंगे हाफ बॉईल। मैंने 2 अंडे निकाला हूँ, अभी हम इसमें लिखेंगे 6। ये 6 मिनट बॉईल किया हुआ अंडा, 2 अंडा को मैंने 6 मिनट में निकाल दिया है और 2 को हम और 6 मिनट पकाने के लिए रखे हुए हैं। हमने 2 अंडे को 6 मिनट में निकाले थे और 2 अंडे हमने 12 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। अभी 12 मिनट हो चुका है, हम करते हैं गैस को बंद और इसको बाहर निकालते हैं बड़े प्यार से। कभी भी अंडा को बॉईल होने के बाद एक सादा नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर है उसमें डाल दें ताकि अंडा आपका अच्छा हो जाए और छीलने के लिए आसान हो जाएगा।
अब इसको अभी कैसा छीलना है मैं आपको बताऊंगा, और 6 मिनट का अंडा और 12 मिनट का अंडा में क्या फ़र्क है अभी मैं आपको बताऊंगा। अंडा को हमने पहले 6 मिनट वाला अंडा को तोड़ के देखेंगे। इसको आसानी से तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा टी स्पून से इसको क्रैक करेंगे, ज़्यादा करेंगे भी ये नहीं होएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करना है और बड़े प्यार से छिलका को निकालना है, क्योंकि ये कम बॉईल किया हुआ है हाफ, तो ये बहुत टूटने का चांस रहता है। बड़े प्यार से अंडा को तोड़ना भी एक कला है, एक आर्ट है। बड़े प्यार से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप निकालते जाइए। प्यार से कुछ भी काम आसान होता है। धीरे धीरे बड़े प्यार से निकालना है, क्योंकि ये हाफ बॉयल है, इसको हमने 6 मिनट बॉयल किया था। ये देखिए कितना अच्छे से हमने इसको छीला है। अभी हम इसको रखेंगे अलग। अभी हम फिर ऐसे करके जिसको हमने 12 मिनट बॉईल किया था वो वाला एग को तोड़ेंगे। इसको भी बड़े प्यार से आपको छिलका निकालना है। जब आप प्यार से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। धीरे धीरे आप निकालें। ये देखिए ये भी हमारा हो गया। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। अभी हम सबसे पहले ये 12 मिनट जिसको फुल बॉईल हो गया है उसको काटेंगे। इसको बड़े प्यार से काटना है। ये है हमारा फुल बॉइल्ड एग, और दूसरा है जो हमारा हाफ, इसका अंदर हल्का सा होएगा। बड़े प्यार से काटना है। ये देखिए फ्रॉग, ये है हाफ बॉइल और ये है फुल बॉइल। इसमें थोड़ा सा पिल्ला अंदर का कच्चा है, पूरा बॉइल नहीं हुआ है, और ये है फुल बॉइल एग। अभी हमको इसको कैसे खाएंगे अभी देखें। अभी हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ब्लैक पेपर। हम इसको ऐसा इसमें घर पे कूट के बनाते हैं। ये बहुत पुरानी आदत है लेकिन हम आज भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हम अभी इसके ऊपर डालेंगे। आपको जितना पसंद है आप इसमें ये अप्लाई करके खा सकते हैं। आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, आप इसमें ब्लैक नमक डाल सकते हैं। आज आपने सीखा कि अंडे को कैसे हेल्दी तरीके से बॉईल किया जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ घर पे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ जल्दी।